नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दिया है। लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया, साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं बल्कि सिर्फ पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा है कि सभी दस्तावेज सीबीआई को दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच और उनके अफसर को क्वारंटीन करने पर सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि बिहार पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, ये अन्याय के खिलाफ जीत है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि सुशांत को न्याय मिलेगा। हम पर कई आरोप लगाए गए, हमें जांच नहीं करने दी गई। पटना पुलिस सब कुछ कानूनी रूप से कर रही थी। रिया की हैसियत नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने केस की जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वो सही थी। महाराष्ट्र सरकार को अब जांच में सहयोग करना होगा। मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है। वहीं सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है। कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी, ये ऐतिहासिक फैसला है। इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है। सुशांत केस की जांच सीबीआई को मिलने के बाद एक्टर का परिवार काफी खुश है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर लिखा, आखिरकार केस की जांच सीबीआई करेगी। वहीं अंकिता लोखंडे ने लिखा, सच जीता। तमाम बॉलीवुड सेलेब्स के भी अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत ने एसएसआर वॉरियर्स को बधाई दी है, अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी। पहले खबरें थी कि ईडी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर मुंबई में सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आई है, जिसके मुताबिक ईडी ने दिल्ली से जुड़े एक केस के लिए मुंबई में कई जगह पर सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन इसका सुशांत सिंह राजपूत के मनी लॉन्ड्रिंग केस से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।